बेटे ये आपके पास 12.8 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दो पार्ट हैं, जो फर्स्ट पार्ट है जो मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं, आपके पास जो सेकंड पार्ट होगा तो फर्स्ट पार्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट यहां तक दिया हुआ है और उसका रिजल्ट भी यहां तक दिया राइट हैंड साइड, जिसकी वजह से मैंने आपके पास सेकंड पार्ट चूज किया है। तो सेम स्टेप्स है, यहां पे थोड़े से दो एक्स्ट्रा नंबर दिए हुए हैं, वहां पे दो वैल्यूज एक्स्ट्रा नहीं है, तो सेम प्रोसेस होगा। सबसे पहले इसके अंदर सवाल ये पूछा है कि पार इक्विलेटरल ट्रायंगल, कि ट्रायंगल कौन सी है, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी तीनों साइडें आपस में क्या हो, इक्वल हो। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइडों को जो हम डिनोट करते हैं वो हम डिनोट करते हैं ए बी और सी। तो यहां पे तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। क्योंकि हमें ये चाहिए आर, आर का फार्मूला क्या है, डेल ओवर एस, और सबसे पहले हमें डेल चाहिए, और डेल के लिए हमें क्या चाहिए, एस। एस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 ओवर। क्योंकि ये तीनों साइड सेम है तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं बेटा, एस इज इक्वल टू ए प्लस ए प्लस ए ओवर 2। यस सर, तो तीनों साइड सेम है तो यहां से s की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये एक वैल्यू अभी हमने निकाली। अब जैसे आपने बताया कि इसके फार्मूले में क्या है, डेल बाय s, डेल का फार्मूला क्या होता है उस्मान, रूट s, रूट s, s माइनस a, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। डेल का फार्मूला हमारे पास आपके पास बेटा ये होता है S into S minus A, S minus B and S minus C। लेकिन अभी हमें ये फार्मूला की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास S है 3A over 2 और हमने कहा कि साइड तीनों सेम सेम हैं, तो पहले हम इन तीनों की वैल्यूज निकाल लेते हैं कि S की वैल्यू निकाली हुई है। अगर S minus A हो तो बेटा इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं 3A over 2 minus A। Yes, sir. सिंपलीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3a minus 2a over 2 और जो कि a by 2 आ जाएगा। किसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, s minus a की, इस तरफ s minus a लिख देते हैं, s minus a की वैल्यू ये आई है। तो जैसे हमने कहा कि तीनों साइड सेम है तो s minus b, b की जगह भी दोबारा हम a पुट कर सकते हैं, तो इन तीनों की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास s minus a is equal to s minus b is equal to s minus c। ये सारी वैल्यूज किसके इक्वल आ जाएंगी, a ओवर 2। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं कि जो चीज हमें चाहिए उसके लिए पहले सबसे पहले डेल मालूम करते हैं, डेल की वैल्यू क्या आती है। डेल फार्मूले के मुताबिक s into s minus a, इब्राहिम s की वैल्यू क्या है बेटा, s की थ्री ए ओवर टू ये करेंगे, गुड। तो यहाँ ये पुट कर देंगे आप 3a ओवर 2, s माइनस a की वैल्यू क्या है, a ओवर 2, गुड। s माइनस b की, और s माइनस c की, समझ आती है बात। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 का रूट आ जाएगा, a की पावर 1 2 3 और ये मिला के 4, 4 जब उसकी पावर होगी तो उसका रूट लेंगे तो क्या आएगा, ए की पावर 4 है तो जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/2 करेंगे, नीचे 2 की तरफ रिपीट हुआ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 16 का रूट क्या होता है 4। तो इसे जो लिखा जा सकता है ये डेल की वैल्यू होगी। क्लियर। अब हमारे पास डेल की वैल्यू आ गई, अब हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है, ये सारी चीजें मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले पता चाहिए था डेल और उसके बाद एस। स्मॉल आर अकॉर्डिंग टू फार्मूला, स्मॉल आर किसके इक्वल होता है, एस माइनस डेल होता है, डेल ओवर एस किसके इक्वल होता है बेटा, डेल ओवर एस। अब डेल की वैल्यू हमारे पास क्या है, रूट थ्री ए स्क्वायर ओवर 4 डिवाइड बाय s, s की वैल्यू क्या है, 3a ओवर 2, 3a ओवर 2 ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। ये फ्रैक्शन है बेटा, इधर ही कर देते हैं, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी ये रेसिप्रोकल, तो ये आ गया 3 रूट a स्क्वायर
ओवर फोर ये फ्रैक्शन उलट हो गया आपके पास क्या आ जाएगी रू ओवर थ्री ए कुछ कैंसिल हो रहा है yes, yes, sir. ये कैंसिल हो जाएगा यहां से टू टू जार फोर ये थ्री रूट है तो इस थ्री को हम दो दफा थ्री रूट लिख सकते हैं तो एक इसमें क्या हो जाएगा कैंसिल अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो क्या ये पॉइंट आप पिक करेंगे ये टू आ जाएगा टू रूट थ्री समझ आती है ये बात की नहीं क्योंकि ये थ्री रूट है ना तो ये थ्री रूट अकेला है तो थ्री रूट स्केल आ जाएगा एक कैंसिल होकर एक आपके पास बच जाएगा और ये टू ये हो गया ठीक है ये आगे वैल्यू आपके पास आ गई कुछ स्नीज आ रहे लेकिन नहीं आ रही आर वन नहीं सर सॉरी इससे पहले आपके पास कैपिटल आर की वैल्यू निकालेंगे हम कैपिटल आर ए बी सी ए बी सी ओवर टेन फोर टेन फोर टेन स्मार्ट नहीं पढ़ के आया बेटा सर फोर टेन क्या बेटा कुछ नहीं बता डेल की वैल्यू क्या है डेल की वैल्यू क्योंकि ये हमारे पास आर की वैल्यू है डेल की वैल्यू रूट थ्री ओवर फोर ए स्क्वायर रूट थ्री ए स्क्वायर ओवर फोर अब बेटा यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है ए स्क्वायर है ये दो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और ये फोर कैंसिल होके आपके पास क्या बच जाएगा ए ओवर रूट थ्री ये आपके पास आ जाएगी कैपिटल आर की वैल्यू या अगर इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से बॉक्स बना के ताकि आपको ये कैपिटल आर की वैल्यू समझ आती है कैपिटल आर के बाद आर वन आर वन इज इक्वल टू डेल ओवर एस माइनस ए डेल की वैल्यू क्या है बेटा रूट थ्री ए स्क्वायर ओवर फोर डिवाइडेड बाय एस माइनस ए में क्या निकाली हुई है ए ओवर टू फ्रैक्शन है बेटा ऊपर जाकर क्या हो जाएगी वैल्यू थ्री रूट ए स्क्वायर ओवर फोर और ये हो जाएगा टू ओवर ए ऐसे है ना कैंसिल क्या हो जाएगा बेटा और क्या मिल जाएगा यहाँ पे आर वन की वैल्यू ए ओवर टू जो वैल्यू आर वन की आई है वही वैल्यू हमारे पास आर टू की भी आएगी क्यों आर टू अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या होता है डेल ओवर एस माइनस बी क्योंकि एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी सब की वैल्यू क्या है सेम है यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे ये वैल्यू अगर आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर थ्री दैट इज इक्वल टू थ्री रूट ए ओवर टू ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी समझ आई बात अब हमें जो ये रिजल्ट चाहिए हमें इस रिजल्ट के ऊपर आना है लेफ्ट हैंड साइड पे पहले वैल्यू को पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को फाइंड आउट करना जैसे पहले हम करते थे तो लेफ्ट हैंड साइड जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो बेटा आपके पास क्या दिया हुआ है स्मॉल आर कैपिटल आर रेशियो आर वन रेशियो आर टू और आर थ्री जो सारी वैल्यूज हमने निकाली है वो वैल्यूज को पुट करते हैं स्मॉल आर की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है A over 2 under root 3 capital R की value sir A over 3 A over 3 okay R1 की value अब जो मुझे चाहिए वो रिजल्ट चाहिए ये वाला मेरे पास जो इसकी वैल्यू है मुझे इस वैल्यू पे कैपिटल आर की वैल्यू थोड़ा सा डाउट है नहीं है एक सेकेंड मुझे यही चीज में चेक कर रहा हूं कि मुझे जो कैपिटल आर की वैल्यू है उस पर थोड़ा सा जो डाउट है वो आपके पास हाँ बिल्कुल है एक गलती की हुई और आप मुझे बता भी नहीं रहे यहां से क्या बच गया था ए और डिनोमिनेटर में क्या बचा था रूट जवाब बताएंगे
जब मैं आपको देख लूंगा कि गलती हुई है तब आप उसको क्या देख रहे थे आपको पता चलेगा कि नहीं। हां जी मैं यही देख रहा था, चलो मुझे तो एक पॉइंट भूला, लेकिन आप उस पॉइंट को मतलब नहीं कर पाए कि सर यहां पे रूट की बजाय 3 क्यों लगा रहे हैं। अब बेटा जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में सबसे पहले आप क्या चेक करें, 1 1 अगर मुझे यहां 1 चाहिए होगा तो समीर कैसे मान ला सकता हूं यहां बेटा, क्या चीज मल्टीप्लाई करोगे मुझे यहां 1 मिल जाए सर, ऊपर या नीचे, ऊपर क्योंकि ऊपर या नीचे आपके पास एक ही तो वन आता है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में हर जगह से होता है। अगर मुझे इस पूरे की जगह 1 चाहिए तो मैं किस चीज को मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाए, सर 1 सर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो आइडेंटिटी है वो सेम रहेगा। बेटा इसका रेसिप्रोकल, ये नंबर पूरा इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपके पास मल्टीप्लाई बाय आपके पास 2√3/a। जब इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये सारा चीज क्या हो कैंसिल होगी, यहां क्या बच जाएगा 1, यहां आ जाएगा 2 3 3 और ये 3 दैट इज योर राइट हैंड साइड। अगर फिर भी कोई स्टेप अगर आपके पास यहां से मल्टीप्लाई के समय नहीं आ रहा तो वेरीफाई करना चाहते वेरीफाई करवा सकता हूं। देखिए आपके पास यहां एक स्टेप आपके पास बता देता हूं ताकि आपके पास क्लियर हो जाए। देखो ये था ना 2√3, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया तो ये इसके साथ कैंसिल, ये कैंसिल क्या आ गया 1। अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या है a/√3 इसमें यहां से बेटा नहीं सब जगह क्यों बना है, यहां 3 रूट कैंसिल, यहां से 1 कैंसिल, यहां क्या बचेगा 2, क्योंकि सारी टर्म सेम तो नहीं है ना सर, हमने इसके लिए सिर्फ से मल्टीप्लाई किया ना सर। अब ये तो ये दोनों सेम से है क्या, तो फिर यहां 1 क्यों आएगा सर, तो यहां उससे मल्टीप्लाई क्यों करेंगे उसका अपना रेशियो, जब रेशियो होता है ना रेशियो, रेशियो में आपके पास ये रेशियो के जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो सबके साथ सेम नंबर किया जाता है। रेशियो का रूल ये होता है जैसे अगर आपके पास a रेशियो b है ना बेटा, ये a रेशियो b है तो अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे डिवाइड करते हैं सिंपलीफाई करते वक्त दोनों को नहीं करते, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब आपके पास ये होता है कि आपके पास a रेशियो b को आप लिखते हैं a/b, अगर यहां पे किसी टेबल के साथ कट करते हैं दोनों कट करते हैं ना और मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तो ये भी रेशियो है ना, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को करेंगे तीनों को सबको करेंगे नहीं करेंगे, इसी वजह से जो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे वो पूरी रेशियो के साथ मल्टीप्लाई होगा। इज इट क्लियर यस राइट। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट में ही ना, फर्स्ट पार्ट इसका यहां तक है तो आपके पास फर्स्ट पार्ट जब आप सॉल्व करेंगे तो ये सारे स्टेप्स होंगे, ये भी सारे स्टेप होंगे। यहां पे आपके पास जब आर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो उसके बाद ये वाली लाइन आप नहीं लिखेंगे, इसके जो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करेंगे ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे और फिर हम इसको यहां तक रोक देंगे यहां तक, क्योंकि उसमें आर 2 और आर 3 नहीं है। जब यहां तक रोक देंगे तो फिर आपके पास उसका आंसर क्या आ जाएगा 1:2:3, उसमें लास्ट रूट अर्थ नहीं है, यानी बाकी सब सेम है, सिर्फ ये जो चीज जिसको मैं अंडरलाइन किया उसको आपने यहां तक लिखना है r2 और r3 नहीं है। जब r2 और r3 नहीं है तो ये वाली दो वैल्यूज भी उसमें के अंदर नहीं आएंगी, बाकी सारे स्टेप सेम है, इसी वजह से मैंने फर्स्ट की बजाय सेकंड पार्ट एक्सप्लेन किया। इज इट क्लियर यस सर ओके।